इस वर्ष जन्माष्टमी का उपवास एवं रात्रि जागरण 19 अगस्त 2022 को है। जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। इससे 7 जन्मों के पाप ताप मिटते हैं। जन्माष्टमी 100 उत्सव है, 2 महान पर्व है, 3 महान व्रत उपवास और पावन दिन भी है। वायु पुराण में और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है, ऐसा भी लिखा है। जन्माष्टमी के दिन जो उपवास करता है, जब ध्यान करके उत्सव मना के फिर खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियाँ तार लेता है और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षम की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्रत की महिमा सुनकर मधुमेह वाले या कमज़ोर लोग भी पूरा व्रत रखें। बालक अति कमज़ोर तथा बूढ़े लोग अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि खाएं। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुण फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जिसको क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का और अपने गुरु मंत्र का थोड़ा जप करने को भी मिल जाए, उसके त्रिताप नष्ट होने में देर नहीं लगती। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला, अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर भगाने वाला होता है। जन्माष्टमी के दिनों मिलने वाला पंजीरी के प्रसाद वायुनाशक होता है। उसमें अजवाइन, जीरा व गुड़ पड़ता है। इस मौसम में वायु की प्रधानता है तो पंजीरी खाने खिलाने का उत्सव आ गया। यह मौसम मंदाग्नि का भी है। उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े हैं, उपवास करने से वे खींचकर जठर में आके स्वाहा हो जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। जो पंजीरी खाने से वायु का प्रभाव दूर होगा तो व्रत रखने से चित्त में भगवदीय आनंद, भगवदीय प्रसन्नता उभरेगी। तब भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे तो ज्ञान में स्थिति भी होगी। अपनी संस्कृति के एक एक त्यौहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान छलकता जाए। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुण फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जय जय श्री राधे। सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।